दोस्तों, आप सबका बहुत ज़्यादा कमेंट आता है या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम्स आते हैं या फिर मेल्स भी आते हैं बहुत सारे कि मनोज भाई, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मेरे चैनल का ना ही कुछ ग्रोथ हो रहा है, ना ही मेरे व्यूज़ आते हैं, ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो दोस्तों, आज यूट्यूब का एक डार्क सीक्रेट के बारे में मैं बात करूँगा, जहाँ से मैं आप लोगों को बताऊँगा कुछ ऐसा चीज़ जो कि यूट्यूब पे होता है, 100% होता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है, एक बहुत बड़े क्रिएटर ने भी ये कहा था इससे सालों भर पहले, तो उस चीज़ के आज बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कि YouTube का भी ये ऑफिशियल जो है, YouTube ने खुद कहा है ये चीज़। तो क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके चैनल को अगर आपका वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ भी सब्सक्राइबर्स बेस कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको मैं सिर्फ एक आइडिया दूंगा। अगर आप लंबे समय तक यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो कुछ एक आइडिया दूंगा जो कि आप अपने चैनल पर अप्लाई करके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि क्या आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो वीडियो थोड़ा सा यूनिक है, नॉलेजेबल है, वीडियो को एंड तक देखते रहो। चैनल पर नहीं होती है सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा अपने चैनल के बारे में। तो मेरा चैनल आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, जब मेरा 50 या 55 के सब्सक्राइबर्स था, मतलब 50,000 के करीब जब सब्सक्राइबर्स था, तब मेरा चैनल को अचानक से बूस्टअप मिला था, ठीक है। अचानक से, मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि उससे पहले मेरे 700-800 व्यूज आते थे वीडियोज पे। लेकिन 50,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ आई शूट, मैंने दिखाया था कि मैं अपने वीडियोज को कैसे शूट करता हूँ। वो वीडियो हो गया वायरल। वो वीडियो वायरल होने के बाद दोस्तों, मैंने जब बैक टू बैक वीडियोज बनाने शुरू किए यूट्यूब से रिलेटेड, सारे वीडियोज पे बहुत अच्छा खासा व्यूज जाने लगा, सब्सक्राइबर्स बेस एकदम गजब का इंक्रीज हो गया, मतलब जिसको कहते हैं अचानक से बूस्ट होना चैनल को, ठीक है। 50,000 सब्सक्राइबर्स के बाद ऐसा बूस्ट हुआ कि एक एक दिन में मेरे 2,000-2,500-3,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, और 50,000 से 3,00,000 सब्सक्राइबर्स होने में ओनली 3 से 4 महीना लगा हुआ था, ठीक है। 3 से 4 महीने में मैंने 50,000 से 3,00,000 सब्सक्राइबर्स मेरा हुआ। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ, चैनल का जो ग्रोथ रेट होता है, जो एक एक दिन में मेरे 3,000-3,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, अब 2,000-2,000 बढ़ने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 3 से 5 लाख होने में 6 महीना लगभग लग गया। अब 5,00,000 से दोस्तों, अभी आप लोग 8,00,000 सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, इसको कंप्लीट करने में मुझे लगभग से साल भर लग चुका है, मतलब 6 से 7 महीना 8 महीना लग चुका है। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि 1,000-1,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगा, पहले 3,000-3,000 बढ़ता था, फिर 2,000-2,000 बढ़ने लगा, फिर 1,000-1,000 बढ़ने लगा, और अभी मेरे चैनल का अगर ग्रोथ की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन इससे पिछले मैं कुछ दिनों की बात करूँ तो 1,000, कभी 900, कभी 800 इस तरह के सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। मतलब एक टाइम था जब मेरे 50,000 से 3,00,000 सब्सक्राइबर्स होने में 3 से 4 महीने लगे थे, मतलब एक एक दिन में 3,000-3,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा था। तो इसी चीज़ के आज इसी वीडियो पे इसी को मैं एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। YouTube का ये एक फैक्ट है, कि एल्गोरिथम एक तरह से कह सकते हैं कि YouTube क्या करता है दोस्तों, बहुत सारे YouTube चैनल्स को क्या करता है कि वो जब ग्रोथ बूस्टअप मिलता है, एक बार बूस्ट करता है अपने चैनल को, ठीक है, किसी के भी YouTube चैनल को, उसके बाद उस चैनल पर रफ्तार पकड़ लेता है। रफ्तार पकड़ने के बाद वो एकदम मिडिल पॉइंट में जाने के बाद YouTube का नज़र में पता नहीं कब वो फ्रीज करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चैनल जितना स्पीड से बढ़ता है उतना स्पीड से नहीं बढ़ता है। मतलब कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स हो गया, किसी का 2-3 मिलियन हो गया, 10 मिलियन हो गया, उसके बाद क्या होता है, वो स्लो हो जाता है, धीरे 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 स्लो होने लगता है। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि वहाँ से सब्सक्राइबर्स बेस जो है इंक्रीज होना ही बंद हो जाता है। YouTube पे व्यूज़ जो होता है दोस्तों, मेरे चैनल पर जब मेरा 1,00,000 सब्सक्राइबर्स था तब भी मेरे 40,000-50,000 व्यूज़ आते थे। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा, जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स था तब भी 40-50,000 व्यू आता था, और आज मेरे 8,00,000 सब्सक्राइबर्स है तब भी 40-50,000 ही व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ का जो रेशियो है, जो एवरेज व्यूज़ है, वो कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। कोई कोई वीडियो में 1,00,000-1,50,000-2,00,000 व्यू चला जाता है, लेकिन एवरेज अगर व्यूज़ की बात करें तो 50,000-60,000-70,000 ऐसे ही आता है। मतलब व्यूज़ पे तो कोई डिफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन सब्सक्राइबर्स बेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। आज मेरे 8.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अब चैनल का जो है यूट्यूब से आप बोल सकते हो कि फ्रीज हो चुका है, मतलब और उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जैसा कि बढ़ता था। और ये चीज दोस्तों यूट्यूब पे सारे क्रिएटर्स के साथ हुआ है, सिर्फ मेरे नहीं, सारे क्रिएटर्स के साथ ही होता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जब जियो लॉन्च हुआ था 2016 में, तब अमित भडाना, भुवन बाम, ये लोग जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स आज देख रहे हो, टेक्निकल गुरुजी, जो कि 10 मिलियन प्लस सब जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भी चैनल गजब का रफ्तार पकड़ा था एक टाइम, ठीक है। लगभग एक साल तक एकदम बहुत धड़ल्ले सी स्पीड में बढ़ा था, लेकिन आज अभी देखोगे सब्सक्राइबर्स जो इंक्रीज होता है वो उस रफ्तार में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। 10 मिलियन होने के बाद से सबका चैनल धीरे 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 स्लो हो गया, ठीक है। एक साल में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत लोगों ने हिट किया था, अमित भडाना में किया था, फिर भुवन बाम भी किए हुए थे, गुरुजी भी किए हुए थे, इस तरह से बहुत सारे चैनल का ग्रोथ हुआ था। तो
अब YouTube का डार्क सीक्रेट के बारे में जो बताना चाहता था वो ये चीज है दोस्तों कि पुराने जब चैनल हो जाते हैं, जो ओल्ड चैनल हो जाता है YouTube पे, उसको YouTube धीरे धीरे उसके वीडियोज का रीच पहुंचाना बंद कर देता है। YouTube उनके चैनल को एक टाइम जा करके स्टॉप कर देता है, उसको स्टेबल कर देता है कि अब ये बंदा सही जगह पे पहुंच चुका है, अब ये जो है अपना दिनचर्या मतलब चला सकता है, अब ये अपना स्पॉन्सर लेगा, कमाएगा, किसी तरह से वीडियो पे व्यूज़ आना ही है, एवरेज व्यूज एकदम स्टॉक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सब्सक्राइबर ऐसा नहीं कि रुक गया है, बढ़ता ही है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ता है जैसा बढ़ता था, या फिर जैसे वीडियो रीच मिलता था पहले उतना वीडियो का रीच नहीं मिलता है मेरे भी चैनल पे, बड़े बड़े क्रिएटर्स के चैनल पे। अब यहाँ पर आ जाते हैं आप लोगों के बारे में, जो कि मैं इस वीडियो पे आज बताने वाला हूँ कि आप लोगों के जो आप लोगों का कमेंट आता है कि मनोज भाई मैं बहुत दिनों से काम करता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, जिनका चैनल मान लीजिए बहुत ओल्ड हो चुका है, मिनिमम मान के चलिए साल भर अगर हो गया है और आपके चैनल पे कोई भी कुछ डिफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, एकदम व्यूज नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को अब मैं एक आइडिया देता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि आपका चैनल अगर बहुत पुराना हो चुका है तो YouTube आपके चैनल का रीच पहुंचाना बंद कर दिया है, ये एक फैक्ट हो सकता है, ये सबके साथ होता है, ये मैं 100% सबसे पहले बात तो 100% मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ। इस चीज़ पे वीडियो आज से साल भर पहले धर्मेंद्र सर ने बनाए हुए थे, ठीक है, मुझे याद है मैंने उनका वीडियो देखा था, उन्होंने भी ये चीज़ कहा था कि पुराने चैनल जो होता है उनका रीच जाना बंद हो जाता है, ये बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी बोलेंगे और सबको ये चीज़ पता है, ठीक है, उस रफ्तार से आपको देखने को नहीं मिलेगा जो स्पीड में कभी जो बढ़ा था उस रफ्तार में अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए आपका चैनल अगर साल डेढ़ साल दो साल पुराना हो चुका है, आपका कोई भी जो है इंक्रीजिंग नहीं है, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आपको मैं एक आइडिया देना चाहूँगा, आप एक और चैनल क्रिएट कर लो, ठीक है, एक ही चैनल पर फंस के मत रहो। और आपका अगर मान लीजिए 10 महीना साल भर पहले का अगर कोई वीडियो है और वो वीडियो बहुत अच्छा आपने बनाया है लेकिन आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो आप उस चैनल से उस वीडियो को जो है आप दूसरे चैनल पर अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरे चैनल पर जब अपलोड करोगे तो YouTube का भी एक रूल है रीयूज्ड कंटेंट, तो आपका रीयूज्ड कंटेंट के तहत जो है हो सकता है YouTube आपके चैनल को मोनेटाइजेशन इनेबल ना करे, तो इसलिए आप क्या करोगे कि जिस वीडियो को इस चैनल पर नए चैनल पर अपलोड करोगे उस वीडियो को पुराने चैनल से डिलीट कर देना, ये चीज़ सतर्क अपनाना है आपको, यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे अपलोड करना और यहाँ पे अपलोड करके नए चैनल पे अपलोड करके वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव माइंड लगाना, ठीक है, टाइटल थोड़ा चेंज करना, थंबनेल थोड़ा चेंज करना, वीडियो को अपलोड कर देना सेम टू सेम, ये चीज़ आप लोग कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हो सके कि आपको उस चैनल को यूट्यूब ने जो है स्टक कर दिया है, यूट्यूब आपके चैनल का रीच पहुँचाना बंद कर दिया क्योंकि आपका चैनल पुराना हो गया है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक आइडिया देना था इस वीडियो पे, आप लोग ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर बहुत पुराना हो चुका है तो। बाकी आपने अगर नया अभी अभी चैनल क्रिएट किया है तब तो आप लोग थोड़ा सा हड़बड़ाओ, मैंने उस दिन बताया था कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स होने में 6 महीना लगा था, इसलिए आपको बकाना नहीं है, व्यूज़ आएंगे चैनल पर, वीडियो वायरल भी होता है और यूट्यूब हमेशा नए चैनल्स को भी मौका देता है। हाँ, और ये जो यूट्यूब अपने जो है सब्सक्राइबर्स बेस को जो स्टक कर देता है पुराने चैनल्स का रीच पहुंचाना बंद कर देता है, ये क्यों करता है इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, ये इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि नए क्रिएटर्स भी आगे बढ़े, यूट्यूब खुद चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म में नए क्रिएटर्स भी आगे बढ़े क्योंकि उनका भी इनकम जो है हमारे जैसे क्रिएटर्स के थ्रू ही है, आप लोगों को पता होगा। तो मान लीजिए अगर वो सिर्फ पुराने क्रिएटर्स को ही आगे बढ़ाते रहेंगे तो फिर नए को मौका कब मिलेगा, और नया जब आगे नहीं बढ़ेगा तो YouTube पे फिर नया क्रिएटर अपना चैनल ही नहीं खोलेंगे क्योंकि उनके सामने प्रूफ हो जाएगा कि पुराने चैनल को ही सिर्फ YouTube रीच पहुंचाता है, नए चैनल्स को पहुंचाता नहीं, तो फिर नया क्रिएटर यहां पर आएंगे नहीं, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए YouTube क्या करता है कि पुराने चैनल्स को एक बार स्टेबल कर देता है, उसके बाद वो नए चैनल्स को भी मौका देता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो नया चैनल पे कंटेंट उस तरह का होना चाहिए, क्वालिटी उस तरह का होना चाहिए, वीडियो का तरीका उस तरह का होना चाहिए, अच्छा टॉपिक्स होना चाहिए, तो ही आगे बढ़ाता है, ऐसा नहीं कि सबको आगे बढ़ा देता है। अगर सबको आगे बढ़ा दे तो फिर मेरे जैसे क्रिएटर्स का और बड़े क्रिएटर्स का वैल्यू क्या रहेगा, बात यहाँ पर ये भी आती है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और सबका जॉब हो जाए तो फिर वैल्यू नहीं है, और मान लीजिए 1000 लोग पढ़ रहे हैं लेकिन उनमें से 2 का जॉब होता है तो वहाँ पर उनका ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, ठीक है, कंपटीशन होना जरूरी है। तो इसीलिए सारे अगर मान लीजिए 1 लाख चैनल और 1 लाख चैनल को अगर YouTube बूस्ट कर देगा तो फिर सब एक क्रिएटर सब कोई क्रिएटर ही बन जाएंगे, तो व्यूअर्स कहाँ रहेंगे, ठीक है, ये सब एक फैक्ट है। तो उन्हीं को YouTube जो है बूस्ट करता है जिनका चैनल पर वीडियोज अच्छा होता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन मैंने जो बताया आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिला है, वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो एक पसंद आई तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो या सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, मनोज दे यूजर नेम मनोज दे 23 है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।